हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सैफ और आप देख रहे हैं द मार्केट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मार्केट इंडिया में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले आईटीसी के बारे में। जी हाँ, तो सोमवार को बड़ा धमाका करने को तैयार है आईटीसी, तो वजह भी जानेंगे और इसमें किस तरह की तेजी आ सकती है, क्या टारगेट होंगे, क्या लेवल होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, पूरी इस वीडियो में बन रही है। हम इसके पूरी डिटेल जानेंगे आज इसकी आईटीसी की शेयर की। तो चलिए अपनी आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बट अगर आपका वीडियो से रिलेटेड है होता है कोई भी क्वेश्चन, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दीजिए और उसका रिप्लाई करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी, हमें लगता है कि वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे आपका नाम लेकर। तो प्लीज़ 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 आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय रखिए और आपको कोई भी क्वेश्चन होता है हम उस पर रिप्लाई करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कारोबार की, आईटीसी के जो फ्राइडे को इसने क्लोजिंग के साथ दी थी 3 जुलाई 2020 को। अगर हम सबसे पहले प्राइजिंग की बात करें तो प्राइजिंग है इसका 206 रुपये 85 पैसे। जी हाँ, 206 रुपये 85 पैसे इसका प्राइस है और 1 रुपये की तेजी के साथ ये बंद हुआ, यानी कि 0.5% की इसमें तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी पॉजिटिव वे में ये बंद हुआ, ये कहीं संकेत तो नहीं इसकी तेजी के, क्योंकि जो इसने क्लोजिंग दी बेहतरीन बनती हुई दिखी। तो ज़्यादा अच्छी वो तो नहीं है ज़्यादा तेजी, बट इसमें बेहतरीन मूविंग जो थी वो मैं आपको चार्ट्स की चार्ट्स पे लेकर चलूँगा, वहाँ से उसकी दिखाऊँगा कि इसमें किस तरह का मूव देखने को मिला था हमारे जो फ्राइडे का जो लास्ट ट्रेडिंग डे था। तो अगर हम प्री क्लोजिंग की बात करूँ तो 205 रुपये 85 पैसे प्री क्लोज रहा था, ओपन हुआ था 208 रुपये। जी हाँ, 208 रुपये ओपन हुआ और हाई भी 208 रुपये 50 पैसे बनाया। लो की बात करूँ, मैं लो रहा था 206 रुपये, तो 206 रुपये जिसका लो था उसके बाद इसमें नीचे को नहीं गया, तो काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला बराबर का इसमें। और क्लोजिंग हुई 207 रुपये 55 पैसे पर, तो क्लोजिंग हुई 207 रुपये 55 पैसे पर, तो ये काफ़ी अच्छा मूव हमको इसमें फ्राइडे को देखने को मिला। अगर मैं इसकी ट्रेड वॉल्यूम शेयर की बात करूँ तो 3,78,96,333 शेयर इसमें का ट्रेड वॉल्यूम्स का शेयर हुआ, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड वॉल्यूम शेयर हुआ फ्राइडे का, जब फ्राइडे के दिन इसमें। और अगर मैं इसके डिलीवरी परसेंटेज की बात करता हूँ सबसे पहले, उससे पहले मैं देखता हूँ बाउंड्री हाई इसका 282.90 पैसे, जो 8 जुलाई को बना था, जो आज से ठीक एक महीने पहले जो बना था 282 रुपये। और बाउंड्री लो की बात करूँ 134 रुपये 13 मार्च को बना था। तो दोस्तों मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ डिलीवरी परसेंटेज। तो डिलीवरी परसेंटेज देखिए आप, बेहताशा इसमें डिलीवरी उठाई गई है, ये ओनली इकलौता इसमें इस बार अगर मैं जितनी वीडियो पर वीडियो बनाता हूँ उनमें से सबसे अच्छी डिलीवरी परसेंटेज। और बहुत बढ़िया कंपनी है आईटीसी, 100 साल पुरानी कंपनी है आईटीसी, तो काफ़ी इसमें भरोसा किया जा सकता है और इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो देखिए डिलीवर हमने जो ट्रेड क्वांटिटी शेयर की बात करें 3,78,96,333 जो इसका इसमें ट्रेडिंग डे हुआ था, जो इसमें ट्रेडिंग हुई है वो इसकी ये क्वांटिटी ट्रेड है। बट जो डिलीवर क्वांटिटी शेयर है वो है 1,83,55,483 शेयर। जी हाँ, 3 जुलाई को ये 2 करोड़ के आसपास इसमें शेयर का डिलीवर हुए हैं, 2 करोड़ आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि ज़्यादातर इंट्राडे में ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, डिलीवर में बहुत कम होती है, तो मैं इसकी वजह बताऊंगा क्यों इतनी ज़्यादा इसमें देखने को मिली है। तो जिस जिसके पास अगर सबसे पहले हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 48.44% की इसमें डिलीवरी अब तक हो चुकी है, यानी कि 50% की इसमें डिलीवरी फुल हो चुकी है। अगर आपको भी लगता है कि आईटीसी शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी और जैसे अभी हमें इसका मूव दिख रहा है कि इसमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो क्या आपको भी निवेश करना चाहिए, तो इसके बारे में हम राय करेंगे, पूरी राय लेंगे जानेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके चार्ट कॉर्नर पर। उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ डिलीवरी क्वांटिटी शेयर की, जो इसमें क्यों इतनी तेज़ी देखने को मिली। जी हाँ, तो कुछ दिन पहले अभी इसी आईटीसी के स्टॉक्स के जो इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं तो काफ़ी बेहतर हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे बेहतर नतीजे आए हैं। और बट उससे अच्छी बात क्या थी जिस वजह से इसमें डिलीवर उठाई गई है। जी हाँ, डिलीवरी क्वांटिटी इतनी क्यों उठाई गई है और क्यों
इसमें इतनी तेजी बनती हुई दिखाई देगी हमको आने वाले कुछ दिनों में। सबसे पहली बात, जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए थे उसमें आईटीसी ने ऐलान किया है डिविडेंड का। जी हाँ, एक शेयर का डिविडेंड प्राइस है 10 रुपये 15 पैसे, यानी कि 10 रुपये 15 पैसे प्रति शेयर आपको डिविडेंड दिया जाएगा आईटीसी कंपनी की ओर से। तो वो जो डेट थी, वो इसकी जो डेट है, मैं कंपनी इंफॉर्मेशन के उस पर जाऊँ तो यहाँ पे देखिए डिविडेंड एक्स डेट, तो एक्स डेट जो है इसकी वो है 6 जुलाई। तो 6 जुलाई को एक्स डेट से पहले हमें लेना ही पड़ेगा स्टॉक। अगर हमको डिविडेंड चाहिए किसी भी कंपनी का, अगर हमें डिविडेंड चाहिए तो हमको उस पर एक्स डेट से पहले क्वांटिटी उठानी ही पड़ेगी। तो इसकी जो डिविडेंड डेट है एक्स डेट, ये देखिए ये जो एक्स डेट है वो है 6 जुलाई 2020, यानी कि जो फ्राइडे का जो दिन हुआ था वो थी 3 जुलाई, और जो 6 जुलाई को हमारा ट्रेडिंग डे शुरू होएगा मंडे को, यानी कि कल। तो कल को 6 जुलाई को जो इसके शुरू होगा तो वो एक्स डेट मानी जाएगी। तो उससे पहले हमें स्टॉक लेने पड़ते हैं अगर आपको डिविडेंड चाहिए किसी भी शेयर का। तो अब हमें इस वजह से इसमें बराबर तेजी देखने को मिली है, क्योंकि देख सकते हैं आप इसमें जो डिलीवर जो क्वांटिटी शेयर की बात करो तो उसमें डिलीवर क्वांटिटी शेयर में कितना बड़ा एक मेरा हिसाब से जो इसमें ट्रेड क्वांटिटी उसका 50% तो डिलीवर में उठाई गई, और 50% में 50% से भी ज़्यादा इसमें डिलीवरी उठाई गई है, उससे कम में इसमें ट्रेडिंग हुई है इंट्राडे में। तो इस वजह से इसमें डिविडेंड के लिए कुछ लोगों ने इसमें क्वांटिटी उठाई है, और जो बिल्कुल सही भी है। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो यहां पर देखिए कंपनी ने इस बार जो डिविडेंड दिया है वो धमाकेदार दिया। जी हाँ, डबल का डिविडेंड दिया है। जो देख सकते हैं आप, बोनस दिया था 1 जुलाई 2016 को दिया था 1.1:2 का बोनस दिया था, और डिविडेंड 5 जून 2017 को डिविडेंड था 4.75 रुपये पर शेयर, और 25 मई 2018 को डिविडेंड दिया था 5 रुपये 15 पैसे प्रति शेयर। 2019 को 22 मई 2019 को डिविडेंड दिया था कंपनी ने 5 रुपये 75 पैसे पर शेयर, बट इस बार जो डिविडेंड दिया 6 जुलाई को जो एक्स डेट है इसकी, तो 6 जुलाई को दिया है डिविडेंड की एक्स डेट जो है 10 रुपये 15 पैसे प्रति शेयर। तो ये डबल का डिविडेंड है इतनी, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था कि इस बार कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड दे सकती है अपने शेयर होल्डर, तो वैसे ही हुआ। काफ़ी अच्छी इसमें हमको डिविडेंड प्राइस देखने में मिली है, जिस वजह से हमको इसमें तेजी जो इसमें तेजी देखने में मिल रही है, और जो इसकी डिलीवर क्वांटिटी परसेंटेज जो है बढ़ी है, तो इस वजह से इसमें डिलीवर क्वांटिटी बढ़ी है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसमें क्वांटिटी इतनी बढ़कर क्यों हुई है। तो ये थी हमारी जो पूरी उस पर रिसर्च। अब हम चलते हैं इसकी, अगर मैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट डिविडेंड जो मैंने बताया 26 जून को जो ऐलान हुआ था, ये इसका पूरा डाटा है आपसे, आप एनएससी की वेबसाइट से पूरी कंपनी डिटेल यहाँ से निकाल सकते हैं कुछ भी हो। अब हम चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए आप, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की जो शेयर होल्डिंग वो है 0। जी हाँ, 0 है, बिल्कुल 0 है 31 दिसंबर 2019 को भी और 31 मार्च 2020 को भी। तो शेयर होल्डिंग प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग है 0। पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग वो 100% की शेयर होल्डिंग है, जो देख सकते हैं आप 100% की शेयर होल्डिंग। तो काफ़ी जो पूरा जो इसका शेयर होल्डर है पूरा का पूरा रिटेल निवेशक और रिटेल जो ट्रेडर है सब उन्हीं के पास इसमें शेयर होल्डिंग बनी है 100% की। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आईटीसी के चार्ट कॉर्नर पर, तो वहां से इसको एनालाइज करेंगे क्या इसमें लेवल निकल के आ सकता है, क्या इसको मंडे को इसमें किस तरह की तेजी देखने को मिलेगी हमें। तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, चलते हैं हम आईटीसी के शेयर पर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं आईटीसी इंडिया लिमिटेड की जो वेबसाइट चार्ट कॉर्नर है, उस चार्ट पर मैंने खोल लिया है, यहाँ से इसकी एक दिन का चार्ट मैंने खोला है अभी। तो एक दिन चार्ट की प्राइसिंग की बात करूँ, 207.60 रुपये पर ये ओपन होता है 9:15 पर, फिर इसमें 207.70 रुपये इसमें अपसाइड देखने को मिलती है, फिर इसमें डाउनग्रेड आता है 206.80 रुपये का, फिर यहाँ पर थोड़ा 207 रुपये
206 रुपये, तो इसी लेवल में इसने कारोबार किया, 207, 206 तो, और यहाँ पर 208 रुपये 10 पैसे जरूर बना इसका हाई। तो हाई की बात करूँ 208 रुपये 50 पैसे के आसपास इसमें हाई बना था जरूर। फिर यहाँ इसमें गिरावट आई 206 रुपये 75 पैसे, फिर इसमें एक फॉल और आया, तो 206 रुपये जो इसका जो है सपोर्ट जोन बनना है, अभी हमने पूरा उसमें देखा 206 रुपये इसका सपोर्ट जोन बनना है, तो ये हमें इसका सपोर्ट लेके चलना है 206 रुपये का। अब हम खोलते हैं 5 दिन का चार्ट, तो 5 दिन के चार्ट में इसमें किस तरह के मूव देखने को मिली है, तो देख सकते हैं आप इसमें किस तरीके का मूव इसमें 5 दिन के चार्ट में पूरा देखने को मिली है। 197 रुपये का प्राइस था, 197 रुपये 90 पैसे का प्राइस था मंडे को 29 जून को 9:30 पर, जिस चार्ट पर ऊपर आ रहा है पूरा। फिर इसमें एक यहाँ तक तो इसने कुछ ज़्यादा मूव नहीं दिखाया यहाँ तक, फिर 194 197 यहीं पे काम किया, फिर इसमें 1 जून को, सॉरी 1 जुलाई को 198, 1 जुलाई के बाद जो इसमें रिकवरी हुई है 205 रुपये, 1 जून को प्राइस है 198 रुपये 25 पैसे, और 2 जुलाई को देखिए, 1 जुलाई के बाद 2 जुलाई को 205 रुपये 70 पैसे, यानी कि लगभग लगभग 6 से 7 रुपये की इसमें तेजी देखने को मिली है, और ये सर्किल काफ़ी अच्छा पॉजिटिव वे में बनता हुआ हमको दिखाई दिया है। फिर इसके बाद 202 रुपये इसमें गिरावट यहाँ आई, क्लोजिंग हुई यहाँ 203 रुपये हुआ, फिर ये इसी रेंज में हमको कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। अब की जो प्राइसिंग की बात करूँ, फिर इसमें एक अपसाइड देखने को मिले हमें, ये अपने 206 रुपये के लेवल को बार बार होल्ड कर रहा है, ये जो इसका इसके बाद 206 रुपये 25 पैसे इसको ये होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे भी इसमें क्लोजिंग 206 रुपये के ऊपर ही दी है, तो यहाँ ये एक सपोर्ट जोन बनी हुई 206 रुपये की, तो काफ़ी अच्छी। अभी जो इसका सपोर्ट जोन है वो हमारे इस टाइम जो प्राइसिंग के आसपास है। अब मैं खोलता हूँ 1 मंथ का चार्ट, तो 1 मंथ के चार्ट की बात हो तो इस टाइम पे ये अपने हाई पर है 1 मंथ के, तो यहाँ से देख सकते हैं आप इस टाइम पे 1 मंथ का इसने पूरा ब्रेक कर दिया है, तो 1 मंथ का एकदम ये ऊपर हाई पर है। अब मैंने खोला 6 मंथ का चार्ट इसका, तो यहाँ से इसको हम पूरे लेवल और टारगेट निकलेंगे कि हमारे क्या टारगेट और क्या लेवल बनने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में अगर आपने मेरी देखी है, लास्ट वीडियो मैंने इसकी आईटीसी के ऊपर जो डाली थी, तो मैंने टारगेट दिए थे 207 रुपये का, तो 207 रुपये मैंने 20 फरवरी टारगेट दिया था, 207 रुपये 45 इसका पहला टारगेट होगा जो अचीव हुआ है हमारा 3 जुलाई को, तो 3 जुलाई को हमारा जो टारगेट था वो तो हिट होता ही है। उसके साथ साथ दूसरा टारगेट हमारा 215 रुपये का, 215 216 ये हमारा 215 रुपये का टारगेट है हमारा नेक्स्ट टारगेट। अभी जो हमारा लेवल लिख लीजिए आप, अगर आपके पास पेन कॉपी है तो प्लीज़ वीडियो को आप देख पॉज करके आप अपनी पेन कॉपी ले लीजिए, और पहला टारगेट तो हमारा अचीव हो गया है, दूसरा टारगेट हमारा 215 और तीसरा टारगेट होगा 235। तो दो टारगेट के लिए अब हमें इसमें खरीदारी करनी है, 215 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट है 235 रुपये, तो दो टारगेट। स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, पहला स्टॉप लॉस, तो पहला स्टॉप लॉस होने वाला है हमारा यहाँ पर 194 रुपये, पहला स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ पर, ये बिल्कुल डाउन में, अगर यहाँ पर आता है तो आपको एग्जिट करना ही है। दूसरा स्टॉप लॉस होने वाला है हमारा 206 या 205 अगर आप इस पे ही रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है, तो स्टॉप लॉस में 205 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा रखते थे, 205 और 194, तो ये स्टॉप लॉस छोटे छोटे स्टॉप लॉस है जिससे आपका जो नफ़ा बना हुआ है, छोटे स्टॉप लॉस में इसलिए दे रहा हूँ जो नफ़ा बना हुआ वो नुकसान में ना तब्दील हो, तो उससे अच्छा है कि आप एग्जिट कर लें और वहाँ पर अपना फिर गिरावट में आए तो उसे बाय करें। तो दोस्तों ये थी हमारी ITC शेयर पर हमारी राय द मार्केट इंडिया की और हमारी टीम की। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया है, क्योंकि हम हर दिन शेयर मार्केट से रिलेटेड हर ज़्यादातर स्टॉक जो फोकस में होता है हम उस पर अपडेट एवरी डे रहते हैं। और आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, गुड बाय, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हैं।